वीआई और बीएसएनएल दोनों ने ही 100 रुपए से कम के अंदर के प्लान लॉन्च किए हैं कल की डेट में। आइए फटाफट आपको बताते हैं कि 100 रुपए से कम के अंदर वीआई ज्यादा अच्छी ऑफरिंग दे रहा है या फिर बीएसएनएल। आपको ये फैसला करना है। रोज ऐसी न्यूज नहीं आती, रोज ऐसे प्लान्स नहीं आते कि कम कीमत में इतने बेनिफिट्स मिले आपको। जानते हैं क्या है ऑफर इन दो दिग्गजों की ओर से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, मैं प्रवीण महुलियार इस नए वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। वीआई ने जो ऑफर रिलीज किया है उसकी कीमत है 82 रुपीज और बीएसएनएल ने जो प्लान लाया है उसकी कीमत है 87 रुपीज। वीआई में अगर आप 82 रुपीज देते हैं तो आपको मिलता है 4 GB डेटा और सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन और कुछ नहीं मिलता है। 4 GB डेटा यानी कि 1 GB डेटा की कीमत लगभग 20.5 रुपये हुई और सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। OTT प्लेटफॉर्म है, अच्छा है, सोनी के सारे लाइव चैनल्स होंगे, कुछ स्पोर्ट्स भी आप देख सकेंगे और यहाँ पर बहुत सारी मीडिया अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ मूवीज एंड वेब सीरीज एंड टीवी शोज। अगर आप 82 रुपीज देते हैं तो वीआई में ये बेनिफिट है। अब बात करते हैं बीएसएनएल में, आपको 5 रुपये ज़्यादा देना होगा 87 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको 14 दिनों के लिए 14 GB डेटा मिलता है, 1 GB डेटा रोज के हिसाब से कॉलिंग और SMS मिलता है। बीएसएनएल का ये एक नॉर्मल पैक है और वीआई का ये OTT प्लस डेटा पैक है और इसकी भी वैलिडिटी 14 डेज की है। तो आप बेहतरी से कंपेयर कर सकते हैं कि आपको वीआई में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है या फिर बीएसएनएल में मिल रहा है। बीएसएनएल में 14 GB डेटा और वीआई में 4 GB डेटा। दोनों प्लान्स डिफरेंट सब्सक्राइबर नीड के हिसाब से हैं और डिफरेंट कंपनी के हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए आप कौन से प्लान को ज़्यादा प्रिफर करेंगे अगर आपको दोनों ही प्लान में से एक रिचार्ज कराना हो। अभी के लिए वीडियो में इतनी जानकारी, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें। छोटी सी वीडियो है पर जानकारी महत्वपूर्ण है। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।